जो भी स्टूडेंट मैट्रिक का फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश का पेपर देकर आए हैं और आंसर की को मिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको जे सेट जे का पूरी 1 से लेकर 100 तक करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सेट हो कोई दिक्कत नहीं, सभी का सेम रहता क्वेश्चन, बट आगे पीछे रहता। सेट ए हो सेट बी हो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे रहता, बट आप लोग मिलाते चलिए। जो जो क्वेश्चन को केवल टिक किए हैं वो क्वेश्चन को रोक कर आप खोज सकते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द पोटर्स हार्ट ट्विटर लाइक ए, तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, द डैश करके दिया हुआ है, ब्रॉन्ज द कोयल हार्ट, तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ड्राई गार्डन। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, द ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन हु इज द लाइन, इस यह लाइन है जो किस पार्ट से लिया गया है, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पोटर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर की ओर बढ़ते हैं, तो फोर पूछा गया, हु राइट द पोएम कोयल, कोयल जो कोयल है जो किसने लिखा था, तो फोर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, पूरन से लिखा था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा गया, द टेरेस ऑनर्ड बाय डैश गिव हिम द शेड इन समर, समर को किसने लिखा था, तो इसका खाली स्थान पूछा गया है, तो फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कलेक्टेड मैन। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा गया है, द डैश हैज बर्नट द विंड्स ऑफ द कोयल, तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, फायर ऑफ जनवरी जनवरीज। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया, थ्री ऑन माइंड लाइक योर कैन डू नो हार्म इज फ्रॉम, तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोयल। क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते हैं, तो एट पूछा गया, स्वंगरी एंड द रिया आर प्रिंटिंग वर्क्स, तो एट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, दुर्गा प्रसाद पांडा। क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा गया, द रोस्ट और ऑन फायर विच बर्ड्स इन विच इट कैच इन फ्रॉम, तो नाइन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोयल। क्वेश्चन नंबर दस पूछा गया है, व्हेन स्प्रिंग इज द कलेक्टन ऑफ डैश बाई फ्रेंड द ए हो जाएंगे, थोरन, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूरन पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, फटाफट हम लोग कर लेते हैं, वो उतना क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आई एम रिलीजियस हु इज द बिलीव इन फ्रॉम, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोयल। कोयल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, द सिकर्ड एंड ऑफेंडेड नाइट टाइम्स, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, म्यूट। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, द टुगेदर ऑलवेज ट्राई ऑफ द फ्लोइंग हार्ट डैश एडवाइज, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फादर्स, फादर से ज़्यादा डॉटर एडवाइज लेती है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, द गर्लफ्रेंड डैश हार्ड नोट, तो थर्ड का 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गुडनेस, गुडनेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, तो मुन्नी ब्लेम हल्कू फॉर द डायरेक्शन ऑफ द, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, द लेस कंसिजन ब्रो बोथ कैपिटल परमानेंट एंड लाइफ इम्प्रूवमेंट, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इन मोरल, इन मोरल। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, तो 17 पूछा गया, द फेवर पोर्ट्स लुक्स लाइक, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अम्ब्रेलाज। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, देयर वाज डैश टू लुक आफ्टर सन एंड मून, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नोबडी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, द रिच मैन डिड बिफोर ही कॉल डैश द इथ पोएट, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फिल। 20 पूछा गया है, 20 का राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएंगे, राधर्स लव, राधर्स लव के लिए पूछा गया है। 21 पूछा गया, द पोटस इज चैलेंजिंग द, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, माउंटेन्स, माउंटेन्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 पूछा गया, दुर्गा प्रसाद पांडा इज परमानेंटली ए, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लिंग्विस्ट। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, बाटर डे ला मेरे करेक्टर्स इन द ऑटोमेट ऑफ द डैश इन द पोएम्स, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, भेन टचेड इन द मार्केट स्क्वाड नोवाइज इज फ्रॉम, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलिथीन बैग। पोलिथीन बैग से नोवाइज आता था। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, फिल्म्स टूडे आर द सिंफिनटेन पार्ट ऑफ द करेक्टिव, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आर्ट। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया, इज द सेम फूल टू नो डैट वी बेट देम नो मोक्स आर, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिटवीन अप। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा, द ओल्ड मैन ओल्ड वोमेन इज नेवर सेल्ड ऑफ द बींग द टूगेदर ऑफ द डैश सेल्फ्स, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, द ग्रीक इन वेजर्स वेयर फ्लोवेड बाय, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, स्नेक एंड हुंस। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया, जॉन्स लेक्सू इज द राइटर ऑफ, जॉन लेक्सू के कौन लिखा राइटर है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मी एंड द इकोलॉजी बीट, मी एंड द इकोलॉजी बीट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30 पूछा गया है, महादेवी वर्मा समथिंग पुट गिल्लू इन ए एन, तो इसका 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, भाई मराठा टोल्ड हर स्टोरीज द चिल्ड्रेन इज टू स्टार्टेड विथ, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एसे से स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, जिम्स डॉग्स हार्ट डग ऑफ द एम एस ग्रीन्स, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, गार्डन। क्वेश्चन नंबर पूछा गया, डैश इज द मैन करेक्टर इन जनवरी नाइट, तो 33 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, हल्कू करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, एग्री कैसेज डैश रिएक्शन अगेंजमेंट नेओर, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे क्विक, डी इज द राइट आंसर। 35 पूछा गया है, चिक्कू रॉट डैश प्लेस, यानी 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 12 को प्लेस लिखा था। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, एम एस गैलेस सॉप बाज लाइक इन ट्रेनिंग ए, तो 36 का ए डी हो जाएंगे, 36 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, ए स्क्रिप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डैश इज द ए रिमार्केबल फ्यूचर इंडियन कल्चर, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, डैश इज द समथिंग विच पीपल हार्ड पे एंड अंडरस्टैंडिंग, 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इकोलॉजी इज द राइट आंसर। काफ़ी इजी सवाल था, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, द कॉर्न मार्चेट बाज अनेबल टू हैंडल डैश ऑफ द लाइफ, तो 39 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 40 पूछा गया है, जिम ड्रॉन डैश राउंड एंड राउंड टू ब्रेक कार्ड ऑल समर, 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, अकोलियाज ग्रैंड मदर बचेड द पीपल ऑफ डैश, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, महादेवी वर्मा बाज इंजर्ड इन ए, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया, गिल्लू हैज डिस्कवर्ड ए न्यू मेथड टू टेकल द, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समर हाइट। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग ए सत्यजीत राय इज, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑफ लॉ क्वालिटी। 45 पूछा गया, द इंडियन सोसाइटी हैज द कैपिटल फोर, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, द हीरो इन द मूवी एज डिस्क्राइब इन द पैसे फॉर लिविंग टुकिंग डैश भेन योर कैन इंदौर्स, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सूज।
47 पूछा गया, मैन अकॉर्डिंग टू एक्सलेटर पोप द साइड इन बिलीव भेन हैज नो। तो इस 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, राधा इज ग्रोइंग थिनर देन। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, द टुगेदर हार्ड ब्रैकेट हार्ड टू। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। तो 50 पूछा गया, डैश आर कैपेबल ऑफ द प्रॉन्डिंग ऑलेग्री। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मीडिएशन। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया, जेब्रा गिव ए लाउड ब्रेक एंड रन। इसका राइट आंसर 51 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, फील्ड। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज रिटन बाय ए नंबर इन आर्टिकल ऑन। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हेल्थ केयर हो जाएंगे। 53 पूछा गया, द ओल्ड बैंकर हार्ड गिवन द पार्टी डैश ईयर्स अगो। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 15 इज द राइट आंसर हो जाएंगे 53 का। आगे बढ़ते हैं। तो 54 पूछा गया है, एम आर ग्लेशियर वाज डैश स्मोक मेयर स्टील एंड लैंड। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ग्रे मैन जर्मन। 55 पूछा गया, द डैश ऑफ द पीपल वाज इंडस्टैंड प्लोथिंग। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कंडीशन। 56 पूछा गया, द क्रॉज है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ब्रेक्स। 57 पूछा गया, तो 57 डैश करके पूछा गया है। तो 57 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, स्लो थिंकर्स। 58 पूछा गया है, 58 का राइट आंसर देख लेते हैं, तो सी है, रन, दौड़कर जाना था। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, द खालिस्तान यूनिवर्सिटी हार्ड कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी डॉटर्स ऑन सत्यजीत राय। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सत्यजीत राय पढ़े थे। 60 पूछा गया, एंग सन संकु क्यू गोट नोबल पैसेज प्राइज ऑन द। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे में। 61 पूछा गया, टूल एग्री डैश माय सजेशन। 61 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, बीथ। 62 देख लेते हैं। तो अब ग्रामर की ओर आगे है, तो ग्रामर में आप लोगों को लगातार हम लोग बताते चलेंगे। तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, टू। खालिस्तान पूछा गया, माय हॉर्स इज खालिस्तान द रोड। 63 का डी हो जाएंगे, एट द रोड। यहाँ पर देख लेते हैं, 64 पूछा गया, द टीचर सोल्ड डैश द टॉप हर वॉइस। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एट। 65 पूछा गया, सी हिम खालिस्तान फीलिंग डाउन। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फ्रॉम। 66 पूछा गया, द गेस्टेस वेयर इनवाइटेड डैश लंच। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टू। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा, मोस्ट पीपल आर एयरफील्ड डैश गोस्टेस। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑफ गोस्ट, भूत। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया, चॉइस द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द नेशन। अब एंटोनेम चॉइस करना, कौन कौन एंटोनेम है, यानी उल्टा शब्द है। 68 का राइट आंसर आप लोग देख लेते हैं, डी हो जाएगा, डी बिल्कुल सही उत्तर है। 69 देख लेते हैं, 69 चॉइस द करेक्ट एंटोनेम इन मॉडर्न का पूछा गया। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एंसीडेंट। क्वेश्चन नंबर 70 चॉइस द करेक्ट साइनोनेम ऑफ आस्क का पूछा गया, सेंटोनेम। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्लियरली। 71 पूछा गया, चॉइस द करेक्ट साइनोनेम ऑफ पॉसिबिलिटी का पूछा गया। 71 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया, एक्टिव वॉइस ऑफ आई वाज गिवन द गिफ्ट बाय यूमा। तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, डी देख लेते हैं, डी हो जाएगा, यूमा गिव है
युवा गिव है दिस गिफ्ट। 74 73 देख लेते हैं, तो 73 में एक्टिव वॉइस द इतना का पूछा गया, 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पीपुल हैव ए सेव द एनवायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया पॉजिटिव वॉइस है, पूछा गया पॉजिटिव वॉइस, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ही शोल्ड बी सीन बाई सुंग्रेन। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया पॉजिटिव वॉइस ऑफ द भेंड वी ड्रिंक ऑफ कॉफी, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भेन इज कॉफी ड्रंक बाई यू। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं, तो एक्टिव वॉइस पूछा गया, एक्टिव वॉइस ऑफ द चिकन इज द टू बी ईटन बाई सूची, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी सूची इज द ईट चिकन। पूछा गया पॉजिटिव वॉइस, 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 78 पूछा गया डायरेक्ट स्पीच ऑफ द इतना का डायरेक्ट स्पीच पूछा गया, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सी सैड वेन टू ब्यूटीफुल वॉइस। 79 पूछा गया डायरेक्ट स्पीच पूछा गया, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ब्रश साइड टू मी। 80 पूछा गया डायरेक्ट स्पीच ये भी है, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सुमिता सैड ए कविता वेन आर यू डूइंग हार। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया, तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रमेश। 82 पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच ये भी है, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 82 का डी हो जाएगा, छोटू एडवाइस विशाल टू वर्क हार्ड। 83 पूछा इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ही आस्क्ड वेनु वेदर सी हैज ट्राइड। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है, काफ़ी इजी सवाल था, 84 का देख लेते हैं, तो 84 में पूछा गया है मैं दौड़ना चाहती हूँ, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आई नो हाउ टू रन। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया रमेश जगदीश का भाई है, रमेश जगदीश का भाई है, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमेश इज जगदीश ब्रदर। 86 पूछा गया भारत में प्रजातंत्र है, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, देयर आज डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है सी डैश हेयर किटिंग, 87 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, हार्ट कंप्लीटेड। 88 पूछा गया रमेश एंड राधा, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, आर गुड फ्रेंड है। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया है, 89 का राइट आंसर देख लेते हैं, सुमन कैन नो आर आंसर, क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा कैन। 90 पूछा गया लोट ए फ्रेंड, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैव नीडेड टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, ईच ऑफ द पुअर स्टूडेंट डैश गिवन ए ड्रेस, 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हैज बीन। 92 पूछा गया है आर्ड एंड राइटर डैश नोट मिक्स, तो 92 का ए हो जाएंगे, डू। 93 पूछा गया द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट डैश अबसेंट, 93 का ए हो जाएंगे, ईज अबसेंट हो जाएंगे। 94 पूछा गया है करेक्ट पूछा गया है डायरेक्शन, 94 से 100 तक चॉइस है करेक्ट स्प्लिट वर्ड जो मतलब सही वर्ड चुनना था, 94 से लेकर 100 तक, काफ़ी इजी सवाल था, तो 94 का ए हो जाएंगे। 95 देख लेते हैं, तो 95 कौन सही है, 95 में चार ऑप्शन दिया गया, कौन सही है उसको चूज केवल करना है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी में सही बिल्कुल सही था। 96 में देख लेते, तो 96 का सही बिल्कुल क्या था, सी हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन सी हो जाएंगे। 97 देख लेते हैं, तो 97 कौन सही है, 97 में डी सही है, अब स्टैंड हो जाएंगे। 98 पूछा गया है, 98 में चार ऑप्शन दिया गया, कौन सही है उसको चूज करना था, 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, डिस्पाइस। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 देख लेते हैं, तो दोनों का चार चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सही है बस चूज करना था, इसका डी हो जाएंगे, और 100 का देख लेते हैं, 100 का भी डी हो जाएंगे,
यहीं आप लोगों का 1 से 100 तक क्वेश्चन मिलान करना था, जो कि 100% बिल्कुल सही था। मिलते हैं अगले सेकंड सेटिंग में, अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।